इक्विलिब्रियम का मतलब क्या देखा अभी अपन ने देखा, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। मान लो कोई मास है उस पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, मान लो एफ वन वैक्टर, एफ टू वैक्टर, एफ थ्री वैक्टर, कुछ भी लग रहा है, एफ फोर वैक्टर ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। नेट फोर्स मतलब क्या है? इन सबका वैक्टर एडिशन, एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर प्लस एफ फोर वैक्टर, हमारा क्या होना चाहिए? जीरो। चाहिए ना? तो जितने भी फोर्स होंगे उन सबका वेक्टर एडिशन करना है, याद रखना, सीधे ऐड नहीं करना कि चार प्लस तीन उसके साथ ऐड करने लगे, नहीं, वेक्टर एडिशन करना है डायरेक्शन के साथ, इसलिए तो सीखा है अपन ने, और अपन ने कंपोनेंट निकाल के ऐड करना सीखा था ना। तो इन सबका सम क्या होगा? जीरो। ये क्या है इक्विलिब्रियम का मतलब? लिखो इसे, लिखो। देखो यहाँ पर एक मास एम का पार्टिकल रखा है और उस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कि दिखाया मैंने ना, ये परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली ना, ये परपेंडिकुलर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इफ द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। कंपोनेंट निकालते हैं ना, इस एफ का कंपोनेंट बताओ इस डायरेक्शन में क्या आएगा? एफ साइन 53 है ना, एफ साइन 53 आएगा, एफ कॉस 53 आएगा, कॉस 53। और इस डायरेक्शन में यही होगा, ये तो सीखा था। कॉस 53 कितना होता है और साइन 53 कितना होता है? 4/5। ये हमारे फोर्सेस आ गए, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है हर डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा। किसी वेक्टर को तभी तो जीरो बोलते हैं, अगर नेट फोर्स जीरो है, किसी वेक्टर को जीरो तभी बोलेंगे जब वो हर डायरेक्शन में जीरो है। अगर मान लो तुम्हारा पी वेक्टर है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप इक्वल टू जीरो, तो इसको तुम ऐसे नहीं कर सकते, इसको इधर ले जाओ लिख दो माइनस पी जेड के कैप, ऐसा नहीं होता वेक्टर में। इसका मतलब क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी वाई इक्वल टू जीरो एंड पी जेड इक्वल टू जीरो। कोई वेक्टर जीरो तभी होता है जब उसका कंपोनेंट हर डायरेक्शन में जीरो हो। ये जैसे समझ में आ रही है क्या? इसको ऐसे नहीं लिखना कभी भी, तुम इधर ले जाके लिख दो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप इक्वल टू माइनस पी जेड के कैप। ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तुम आई कैप और जे कैप के डायरेक्शन को के कैप से कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग दुनिया होती है, तीनों डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ में आया? वेक्टर में ऐसे नहीं लिखते। इसका मतलब क्या होता है? तीनों जीरो है। ये क्लियर है क्या? तो इसका मतलब समझ गए, अगर नेट फोर्स जीरो मतलब हर डायरेक्शन में जीरो होगा, तो एक्स डायरेक्शन में जीरो करते हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं पहली इक्वेशन, अरे ये गलत कर दिया, इसको थीटा लो। ये भी निकल के आएगा, इसमें दो इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल निकल के, हमने गलत कर दिया है, इसको थीटा लो। तो देखो क्वेश्चन, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड थीटा इफ द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो देखो इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा? एफ कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में आएगा, अब हर डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा, तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेट करते तो अपनी पहली इक्वेशन आई एफ साइन थीटा इक्वल टू 8, है ना। जितना फोर्स इधर होगा उतनी फोर्स इधर है, जितना फोर्स ऊपर होगा उतनी फोर्स नीचे है, तभी तो नेट जीरो आ रहा है। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 6। अब दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें? पहले तो डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, एफ एफ कट गया ना, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आया? 10 थीटा इक्वल टू 4/3 कब होता है? थीटा इक्वल टू साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5, तो ये 53 होता है ना। तो हमारा थीटा ये हमें निकालना था ना, थीटा इक्वल टू 53। आया क्या समझ में? और अब अगर थीटा आ गया तो एफ तो निकल ही जाएगा, या तो स्क्वायर करके इनको ऐड कर दो, उससे भी एफ निकल जाएगा, है ना। बाकी सीधा है, फ्रॉम फर्स्ट से हम लिख सकते हैं एफ साइन 53 इज इक्वल टू 8। साइन 53 कितना होता है? 4/5 इक्वल टू 8। तो फोर्स कितना आ गया तुम्हारा? 10 न्यूटन। यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है मास एम का, इस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का 30 डिग्री के एंगल पे। इधर पे एक फोर्स लग रहा है एफ वन, और इधर पे फोर्स लग रहा है, इसको एफ एक्स लेते हो, एफ एक्स, और इधर पे एक फोर्स लग रहा है एफ वाई। फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई इफ द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। पर देखो लिखा करो, कंपोनेंट्स दिखाया करो, चाहे तो दूसरे कलर से लिख दो तुम्हारे ऐसा लगता है तो। पर इस डायरेक्शन में क्या आएगा 20 का कंपोनेंट? 20 कॉस 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में क्या आएगा? 20 साइन 30 डिग्री। इस तरह से करके मतलब कि एक्स कंपोनेंट में ये, वाई कंपोनेंट, ऐसे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे दिखाओ, में दिखना चाहिए कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एफ एक्स कितना आया अपना? 20 कॉस 30 कितना होता है पहले बताओ? कॉस 30 √3/2, तो 10 √3 आ गया। साइन 30 कितना होता है? हाफ, तो 10 आ गया। तो एफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर आया? 10 √3 न्यूटन। और एफ वाई किसके बराबर आया? 10 न्यूटन के बराबर।
ओके सॉल्व, आया क्या समझ में?